हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ चिली गार्लिक नान। इसके लिए हमें मैदा नहीं गूंदना, ना ही इसे बेलना है। हम इसे लिक्विड डो से बनाएंगे, वो भी पैन में। नान बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन। नान बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मेल्टेड बटर, 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी गेहूँ का आटा, 1/2 चम्मच चीनी, थोड़ा सा हरा धनिया पतला कटा हुआ, 2-3 लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच नमक। सबसे पहले हम बटर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम बटर में चिली फ्लेक्स डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे जो बारीक कटा हुआ है, और लहसुन की कलियाँ जो हमने ग्रेट करके रखी थी वो डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन को अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर आपको लहसुन ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमारा बटर रेडी हो गया। अब हम मैदे का लिक्विड डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए एक बड़े बोल में हमने आटा डाल दिया और मैदा डाल दिया। आटा और मैदा हमें सेम क्वांटिटी में ही लेना है। 1/2 चम्मच नमक डाल दिया और 1/2 चम्मच चीनी। चीनी से मीठा नहीं होगा नान, एक इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आएगा और कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हमने जितना आटा और मैदा लिया है उतना ही हमें इसमें पानी डालना है। जैसे हमने 2 कटोरी टोटल लिया है तो 2 कटोरी हमें पानी डालना है, लेकिन पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अब हम इसे अच्छे से एक बैटर बना देंगे। अब हम इसमें बटर भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने जो बटर बनाया था अभी गार्लिक डाल के, वही बटर हमें इसे डालना है, और विस्कर की हेल्प से हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। अब हम इसे 20-30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अपने नान इससे बनाएंगे। 30 मिनट्स बाद हमारा बैटर रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत लिक्विडी भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है। हमें ऐसी ही मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है। अब एक पैन गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे और 1 करछी बैटर हम उसमें डालेंगे। उसे अच्छे से फैला देंगे। फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएगा। हमें लो फ्लेम पर अच्छे से इसे पकाना है। 2 मिनट के बाद देखिए ये ऊपर से सूख जाएगा, फिर हम इसे पलटा देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे नान का। हम इसे दोनों तरफ से अलट पलट कर सेकेंगे, फिर थोड़ा सा बटर ऊपर से लगाएंगे और फिर से इसे हम पलट के दोनों तरफ बटर लगाकर अच्छे से सेक देंगे। आप बटर थोड़ा कम भी लगा सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये नान है तो बटर तो इसमें चलेगा ही। इसे अच्छे से दबा दबा के दोनों तरफ से हमें सेक लेना है। देखिए हमारे नान सर्व करने के लिए रेडी हैं। हम इसे शाही पनीर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे नान। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।